हैंगिंग बास्केट के लिए अगर आप बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये जेरेनियम आईवी है। जेरेनियम आईवी एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिनकी लीव्स तो खूबसूरत होती ही हैं, साथ में इनमें फ्लावरिंग भी बहुत इंटेंस और बहुत खूबसूरत होती हैं। और इसमें कई कलर के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, और देखिए कितनी कलियाँ, कितने फ्लावर्स के गुच्छे आए हुए हैं, और ये एक एक इनफ्लोरेसेंस में खिलने वाले फ्लावर्स करीब हफ्ता चलते हैं, और ये खिलते हैं करीब फरवरी मार्च अप्रैल में भी। अगर आपके यहाँ इलाके में ठंड रहती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, तो ये काफ़ी टाइम के लिए फ्लावरिंग कर सकता है। मगर हम लोग के दिल्ली NCR में हम लोग लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में है, सितंबर में भी लगा सकते हैं, और उसके बाद इसकी स्प्रिंग में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये आईवी फॉर्म में ग्रो करने वाला प्लांट है, जेरेनियम आईवी नाम है इसका, क्योंकि ये थोड़ी ट्रेलिंग वाइन है इसलिए ये खूबसूरत लगता है एक हैंगिंग बास्केट में। ये आपको इजीली नर्सरी में अवेलेबल मिल जाता है, सितंबर अक्टूबर से मिलने लग जाता है। करीब छोटी सैपलिंग अगर लेते हैं तो 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर थोड़ा ग्रोन प्लांट है तो हो सकता है आपको 100 के अंदर मिले। और ये आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, बहुत खूबसूरत लगता है इस फॉर्म में ग्रो किया हुआ। जेरेनियम एक और आता है जो ऐसे ट्रेल नहीं करता, लीव सिमिलर होती हैं, मगर वो गमलों में लगाया जाता है। जैसे ये प्लांट है, ये दोनों जेरेनियम के ही हैं, और इनकी लीव्स देखिए सिमिलर है, मगर ये स्ट्रेट ग्रो करते हैं, इनमें भी कई कलर के फ्लावर्स आते हैं। इनकी केयर ये है, आप इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में हैंगिंग बास्केट में लगा दें। उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं कॉयर की बास्केट, प्लास्टिक की बास्केट। बास्केट्स में आप वेल ड्रेनिंग सॉइल लगाएं, वैसे वाटरिंग इसमें केयरफुली करें, मगर अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है तो हैंगिंग बास्केट में ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पानी ड्रेन होता रहता है, और यही रीज़न है कि इसमें रेगुलर वाटरिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये पानी सूख जाता है। ये प्लांट थोड़ा एयर में रहता है, इसकी वजह से अगर गर्म हवा है तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाती है। हैंगिंग बास्केट तो रेगुलरली पानी डालते रहें, और जो सॉइल लें वो थोड़ी न्यूट्रिशियस लें, और इसको रेगुलरली फर्टिलाइज करें, क्योंकि ये इंटेंस फ्लावरिंग प्लांट है और इसलिए इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। तो आप इसको रेगुलरली लिक्विड फर्टिलाइजर में डालती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं काउडंग मैन्योर और सरसों खली मिक्स करके। अगर सरसों खली आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं सी वीड ग्रेन्यूल्स या सी वीड एक्सट्रैक्ट, और इसको रेगुलरली 15-20 दिन में एक बार लिक्विड फॉर्म में करके डालते रहें। जैसे ही प्लांट एस्टेब्लिश हो जाए तो इसकी प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत खूबसूरत होगी, जैसे इसमें हो रही है। तो ये एक दो चीज़ों का ध्यान देने वाली बात है, सॉइल में न्यूट्रिशन डालते रहें, प्लांट में इन्फेस्टेशन चेक करते रहें। वैसे इतना जल्दी होता नहीं है, क्योंकि विंटर्स में इन्फेस्टेशन कम होती है, जब चेंज ऑफ सीजन होता है स्प्रिंग टाइम में, तब इसमें कई बार मिली बग्स या कुछ दिख जाते हैं या एफिड्स, तब आप चेक करके इसको वॉश आउट कर सकते हैं। पानी इसमें ड्राई स्पेल बहुत लंबे टाइम के लिए ना छोड़ें, क्योंकि उससे ये प्लांट इफेक्ट हो सकता है। तो ये सिंपल केयर है, ये लगाएं हैंगिंग बास्केट में, बहुत प्रिटी लगता है ये प्लांट। स्प्रिंग में बहुत सारा कलर भी देगा आपके गार्डन को, और ब्यूटीफुल भी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।